मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी हालात में यहां जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन इस बार के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का मध्य प्रदेश में कमल खिलना खतरे में लग रहा है और वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। एमपी की 230 विधानसभा सीटों में से एक सीट है उज्जैन, जहाँ भाजपा वापसी करने में नाकामयाब हो सकती है। साल 1972 से उज्जैन जनसंघ का गढ़ रहा है और साल 2013 में भाजपा ने यहां की सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार चुनावी व्यार कहीं और बहती दिख रही है। साल 2013 के मुताबिक यहां पर वापसी करना बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। उत्तर उज्जैन से चुने गए ऊर्जा मंत्री पारस जैन यहां साल 1990 के बाद से चुने जाते रहे, हालांकि 1998 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। 3 बार के विधायक महिदपुर बहादुर सिंह चौहान को 2013 में जबरदस्त सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ा रहा था। अब देखना होगा कि 230 विधानसभा सीटों पर इस बार कौन बाजी मारेगा। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।